हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर के जो कॉन्ग्रुएंस होने के क्रिटेरिया है उनके दो क्रिटेरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो फर्स्ट पढ़ा था वो SSS क्रिटेरिया पढ़ा था, यानी साइड साइड साइड, और जो दूसरा क्रिटेरिया पढ़ा था वो SAS यानी साइड एंगल साइड क्रिटेरिया पढ़ा था। यानी हमने दो क्रिटेरिया पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग को चार क्रिटेरिया पढ़ना है। जो नेक्स्ट तीसरा क्रिटेरिया जो पढ़ना है वह है हमारा ASA या एंगल साइड एंगल। किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने का एक तीसरा क्रिटेरिया है एंगल साइड एंगल। ये क्रिटेरिया क्या है इसको हम लिख रहे हैं। इफ टू एंगल्स एंड इफ टू एंगल्स and included side if two angles and included side of a triangle are equal to corresponding two angles and included side, if two angles and included side of a triangle are equal to corresponding two angles and included side, then both triangle will be congruent। बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक ट्रेंगल का, देखिए एक ट्रेंगल का दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, एक ट्रेंगल का दो एंगल और उसका जो इंक्लूडेड साइड है वह क्या है, इक्वल है किसके, दूसरे एंगल। यहाँ पे लिखे हैं टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर, लिख दीजिए another triangle, ठीक है, and included side of another triangle, जो दूसरा triangle है उसके two angle और included side, यानी दो triangle कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे हमने दो triangle बना दिया, हमने दो angle ले लिया, यह angle और यह angle, तो जब हमने दो angle लिया तो इसका included side कौन हो गया, यह हो गया, या इसका included, इन दोनों angle का इंक्लूडेड साइड यह हो गया। अगर इस ट्रेंगल में हमने इस दोनों को इंक्लूडेड एंगल ले लिया, दो एंगल ले लिया, तो इसका इंक्लूडेड साइड कौन हो गया, यह जो साइड हुआ यह इंक्लूडेड साइड हुआ इस दोनों एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटेरिया बता रहा है कि किसी ट्रेंगल का जो दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रेंगल के दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो तो ट्रेंगल क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। अगर यह 30 डिग्री है और यह 40 डिग्री है और यह जो साइड है वह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी ये 30 है और ये 40 है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ट्रेंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। यानी यह वाला एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, इसमें यह एंगल और इसका इंक्लूडेड साइड, अगर इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और कोई एक दूसरे के तरफ देखने के बाद दिखाई नहीं देगा। यानी दोनों का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और शेप तो ऑलरेडी इक्वल, आपको पता ही है कि दोनों क्या है, ट्रायंगल है, तो शेप तो इक्वल है ही, दोनों ट्रायंगुलर है, लेकिन उनका साइज भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था। अब हम लोग का जो चौथा है वह है RHS क्रिटेरिया। RHS क्रिटेरिया क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल पर है ना, राइट एंगल ट्रेंगल, तो ये जो क्रिटेरिया वह है वह राइट एंगल ट्रेंगल पे, राइट एंगल ट्रेंगल जो होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये जो बाकी के ट्रेंगल है उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है, इसके लिए राइट एंगल ट्रेंगल देखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है क्रिटेरिया, यह क्या करता है कि इफ
हाइपोटेनस एंड ए साइड ऑफ ट्रेंगल इज ट्रेंगल आर इक्वल टू corresponding hypotenuse and a side of another triangle, then both will be congruent. यानी अगर आपको एक right angle triangle दिया गया है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, ठीक है, अगर दोनों का हाइपोटेनस बराबर है, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है, और मान लीजिए कि इसमें इसको बी बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हाइपोटेनस है तो ये जो हो गया बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अगर हाइपोटेनस इक्वल हो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक साइड अगर इसका परपेंडिकुलर इसके बेस के इक्वल हो गया, चाहे इसका जो बेस है वह इसके परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया, मतलब यह साइड इससे मिल जाए, अच्छा यह साइड इससे मिल जाए, यानी कोई दो साइड में से कोई एक मिल जाए, हाइपोटेनस तो ऑलरेडी इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों साइड में से कोई एक मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के चार क्राइटेरिया है। इससे रिलेटेड हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग एग्जांपल के हेल्प से इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि इन अ स्क्वायर सीट, एक स्क्वायर सीट है, तो आप स्क्वायर सीट ले लीजिए, आपने स्क्वायर सीट ले लिया। इसमें बोला है कि ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट, दो आपको इसको दो ट्रेंगुलर एरिया में बोला है कि टू ट्रेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, दो ट्रेंगल में बांटना है कि इक्वल एरिया है, तो इक्वल एरिया के लिए हम इसको डायगोनली डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो दो ट्रेंगल बन गया और दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। बोले कि द ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे करना है कि मतलब ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए इसको डायगोनली डिवाइड करेंगे, क्योंकि यह जब दो ट्रायंगल में अगर मान लीजिए कि यह जो ट्रायंगुलर सीट है इसका नाम ए बी सी डी है, तो यह दो ट्रायंगल में बटा, पहला जो ट्रायंगल हो गया वह ए बी डी हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हो गया वह बी सी डी हो गया, पहला ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में यह स्क्वायर है, जो स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, आपको पता है, तो यह राइट एंगल ट्रेंगल कंफर्म है, राइट एंगल ट्रेंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वह हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस यानी जो BD है, BD इधर भी है और BD इधर भी है, ठीक है, दोनों इक्वल है, BD इक्वल टू BD, दोनों इक्वल है यानी कॉमन है, मान लीजिए कॉमन साइड है, ये पता चल गया, BD इसमें भी है, BD इसमें भी है, और कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो अब मान लीजिए कि तो स्क्वायर बोल रहा है, तो ये स्क्वायर क्या है, ए बी साइड इक्वल है, ए बी साइड इक्वल है, ए बी साइड, यानी चारों साइड इक्वल है, तो इसका एक साइड, तो राइट एंगल ट्रेंगल में अगर हाइपोटेनस मिल जाए और कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो भाई दोनों साइड दोनों के इक्वल है, यानी इसमें जो ए डी है वह ए डी जो है वह सी डी का इक्वल है, ए बी जो है वह बी सी का इक्वल है, ठीक है। ये कैसे इक्वल है, क्योंकि ये जो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स
ऑफ स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बीसीडी, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे। और जो दूसरा दिया गया है वह आपको ऐसे दिया गया। ठीक है, इसमें है आपको यह, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, यदि यह दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग। तो करेस्पॉन्डिंग होने के लिए आपको एक एडिशनल पेयर बताना है। तो एडिशनल पेयर क्या बताइएगा, देखिए आपको यह तो एडिशनल पेयर कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो यह जो साइड होगा इसके साइड के इक्वल होगा, और यह जो क्योंकि ये हाइपोटेनस है और ये भी हाइपोटेनस है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी ए सी इक्वल टू पी आर होगा। ये हो गया, दूसरा कोई एक साइड बराबर इसमें से और इसमें से कोई एक बराबर होगा तो ए बी बराबर पी क्यू होगा। ठीक है, जब ए बी बराबर पी क्यू होगा यानी कोई एक साइड, या तो बी सी बराबर पी आर क्यू होगा, यही ना होगा जी, यह साइड इसके बराबर और यह साइड इसके बराबर। और देखिए एंगल जो सी है, एंगल जो सी है और एंगल आर है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, ए बी इक्वल है, तो यही जो है एडिशनल है इसके अलावा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अगर जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लाइव क्लास में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।